बिकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना स्त्री एवं पुरुषों के लिए शुभ फलदायी होता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में मंगल का आगमन होता है। इसके साथ ही व्यक्ति को सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से भी निजात मिलती है। वहीं ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि हर वर्ष के वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विकट संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस साल 27 अप्रैल 2024 को विकट संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। देखिए, प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है हिंदू मास में, और हर पक्ष में एक चतुर्थी आती है। जो दोनों चतुर्थी हैं वह चतुर्थी गणेश जी से संबंधित व्रत रहता है। लेकिन विशेष बात जो है कि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी रहती है वो संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। हमारे जीवन में जो भी विघ्न हैं, हमारे जीवन में जो भी संकट हैं, उन संकटों को दूर करने के लिए कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमको करना चाहिए। यह व्रत मूल रूप से गणेश जी का व्रत है, और इस व्रत में शाम को चंद्र का पूजन करके चंद्र को अर्घ देने के पश्चात यह व्रत जो है वह पूर्ण होता है। आगामी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी रहेगी यह संकष्टी चतुर्थी रहेगी, और इसको विशेष रूप से विकट संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। शुभ कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन के समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए, हमारे जीवन में शुभ हो, मंगल हो, हमारे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, हमारे जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, संतान का सुख हमें प्राप्त हो, इन सभी के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। गणेश जी के पूजन का यह जो व्रत है, आइए हम इसके शुभ मुहूर्त के विषय में भी चर्चा करते हैं। आगामी 27 अप्रैल के दिन प्रातःकाल 8 बजे से 8:14 से चतुर्थी जो है वह प्रारंभ होगी, और 28 अप्रैल के दिन प्रातः 8:21 तक यह चतुर्थी रहेगी। क्योंकि जैसा हमने अभी आपको बताया कि प्रातः काल से व्रत को प्रारंभ करते हैं और सायंकाल में चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो जिस दिन सायंकाल में चतुर्थी तिथि हो, चंद्र का उदय हो, उस दिन इस व्रत को करने का विधान हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो ऐसा योग जो है वह 27 अप्रैल के दिन बन रहा है। 27 अप्रैल के दिन प्रातःकाल 8 बजे के लगभग चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और सायंकाल में चतुर्थी तिथि में ही चंद्र का उदय होगा। उस चंद्रोदय जो होगा उसी चतुर्थी के चंद्रमा को अर्घ देकर के इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इसलिए 27 अप्रैल के दिन इस व्रत को रखना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सायंकाल में लगभग 10:20 में चंद्रोदय का समय है, तो 10:20 पर चंद्र का उदय होगा, और सायंकाल में चंद्र का हम पूजन करेंगे। प्रातःकाल उठकर के स्नान करके अपने शरीर को पवित्र करें, मन को पवित्र करें, गणेश जी के इस व्रत को करने का हम संकल्प लें। प्रातःकाल गणेश जी का पूजन करें विधि विधान से, और सायंकाल पुनः गणेश जी का हमको पूजन करना है। हो सके तो गणेश चतुर्थी के द्वारा गणेश जी का अभिषेक करें, गणेश जी का तर्पण करें, मोदक और तिल के मोदक यह गणेश जी को विशेष रूप से समर्पित करें। इस प्रकार गणेश जी का पूजन करने के पश्चात जब चंद्रोदय हो जाए तो भगवान चंद्रमा का पूजन करें और चंद्रदेव को अर्घ दे करके इस व्रत को पूर्ण करें। ऐसा इस व्रत का विधान है।